स्वागत है आपका मेरे चैनल एजे इंस्पिरेशन में, जहां आपको मिलती है हमेशा हाई वाइब्रेशंस। जी हां फ्रेंड्स, मैं आपके लिए कुछ ऐसे वीडियोस लेके आता हूं जिससे आपकी वाइब्रेशंस हाई होने लगती है। और इस समय हमारा एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है द मैजिक बाय रोंडा बर्न। इस बुक की ये सीरीज है और इसके लिए मैं रोंडा बर्न को वापस से बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा, जिनकी वजह से मिलियंस ऑफ पीपल की लाइफ चेंज हुई। फ्रेंड्स, आज का जो लेसन है वो हमें ये बताता है कि हमारे जीवन में जितनी भी हमारी गलतियां हैं वो हमारे लिए वरदान साबित हो सकती हैं। वरदान इसलिए साबित हो सकती हैं क्योंकि जैसे ही हमने गलतियों को एक्सेप्ट किया तो एक्सेप्ट करने के बाद हम उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं, और आपने अगर अपनी गलतियों से कुछ सीखा तो वो आपके लिए वरदान है। फ्रेंड्स, हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, क्योंकि अगर हम रास्ते से जा रहे हो और हमें पुलिस वाले ने रोक दिया और चालान काट दिया तो हम पुलिस वाले को ब्लेम करते हैं कि उसने हमारा चालान काट दिया, जबकि गलती हमारी होती है। इतना तक हम नहीं सोचते कि वो गलती हमारी थी कि उसने हमारा चालान काटा। कुछ ना कुछ तो हमारी गलती होगी, या तो हम रैश ड्राइविंग कर रहे होंगे, या तो वी डिडंट हैव लाइसेंस, वी डिडंट हैव आरसी, इस वजह से हमारा चालान कटा, तो वहां पर भी हम ब्लेम किसको दे देते हैं? पुलिस वाले को। जबकि हम अगर एक्सेप्ट कर लें तो अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा और अगली बार आप कुछ ना कुछ सीख चुके होंगे उससे। फ्रेंड्स, आप प्रोटेक्टेड रहोगे, आपके प्रोटेक्शन के लिए पुलिस वाले हैं, ऐसे ही नहीं। अगर आप किसी को हर्ट करते हो, ठीक है, उसके बाद आपको पता है आपने हर्ट किया है, लेकिन आपके ईगो इतना है कि आपने कभी भी उसके सामने सॉरी नहीं बोला या कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि ईगो सामने आ जाता है और हम बोलते नहीं है कि हाँ हमने हर्ट किया। लेकिन अगर हम वहां पर सीख लें कि हमने इसे हर्ट किया, तो आप जीवन में कभी किसी को हर्ट नहीं करोगे, कभी भी किसी को हर्ट नहीं करोगे। ये बात आप ध्यान में रख लो, आप हर्ट कर ही नहीं पाओगे। अगर आपने एक बार मान लिया कि आप हर्ट किए, उसको अगली बार नहीं करोगे। लेकिन हम ईगो में हम कभी भी नहीं मानते, और जीवन भर आप हर्ट करते रहोगे लोगों को, क्योंकि आप मानने के लिए रेडी नहीं हो और आपके आसपास कोई भी नहीं बचेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि अगर मान लो आपने किसी को हर्ट किया और वो रिलेशन खत्म हो चुका है, तो उसमें दो तरीके हैं, ठीक है, उसको दो तरीके से देखा जा सकता है। या तो आपको वो रिलेशन सही करना है, तो उसके लिए आपको ये लेसन देखना होगा। आपका कोई भी टूटा हुआ रिलेशन हो, वो बिल्कुल पूरी तरीके से सही हो सकता है, इस लेसन को देख लीजिए, ठीक है। और अगर आपको मान लीजिए वो रिलेशन नहीं भी सही करना है, आपको खुद को डेवलप करना है, तो अपनी गलती को मान लीजिए कि आपने वो गलती करी। जैसे ही आपने माना, तो आप आगे किसी को हर्ट नहीं करोगे, किसी को भी आप आगे हर्ट नहीं करोगे, इससे आप कुछ सीख चुके हो। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारी गलतियां होती हैं। मान लीजिए आपको किसी ने टोक दिया, लेकिन अगर उसने टोका तो पक्का आपने वहां पर गलती की होगी। उस गलती से सीखो, उसको ब्लेम मत करो कि उसने आपको टोका। उस गलती से सीख लो कि वो गलती आपने करी जो आपके लिए अच्छी नहीं है, इसलिए तो सामने वाले ने आपको टोका है। उसको देखो फ्रेंड्स, एकदम पॉजिटिव होना है, एकदम प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, सारी चीजों को देखकर अपने दिमाग में थॉट्स लाने, अपने दिमाग में सोचना है, ऐसे ही कुछ भी नहीं सोचना है, ऐसे ही कुछ भी नहीं करना है। फ्रेंड्स, आज का लेसन यही है कि अपनी गलतियों को देखिए, उससे सीखिए और उसे वरदान में बदल दीजिए। इसका मतलब ये है कि आप जैसे ही उससे सीखते हैं, तो वो जो आपने सीखा ना, उसके लिए आपको थैंकफुल होना है कि थैंक यू सो मच, मैं ये सीख गया और आगे से ये मेरे से नहीं होगा। इसका मतलब ये है आप सीख चुके हैं, आप अपडेट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, आज 26th डे है, 28 डेज का हमारा कोर्स है। अगर आप लोगों में से जो लोग इस रेगुलर कोर्स को कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक पक्के से इस लाइफ को बदल लिया होगा। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि अब आप अपनी लाइफ को बदलें और अपने लाइफ को सेटिस्फाइड और हैप्पी करें। मैं आपके लिए 26 डेज से लगा हुआ हूं, बस 2 दिन और। फ्रेंड्स, आप में से जो लोग भी रेगुलर है उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस दैट आप अपनी लाइफ चेंज कर चुके हो। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑलरेडी, यू हैव चेंज योर लाइफ ऑलरेडी। फ्रेंड्स, बहुत 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 बधाई हो। और आप लोगों में से मान लीजिए आज पहला दिन है जो मेरा ये वीडियो देख रहा है, मैं उसको बताना चाहूंगा, इसकी पूरी प्लेलिस्ट तैयार है, उसमें जाइए, आप 28 डेज का कोर्स करिए, अपनी लाइफ को शानदार बनाइए। कॉन्टेंट मेरा नहीं है, इस बुक का है, मैं वापस इनको थैंक यू बोलना चाहूंगा। अब हम कल मिलेंगे, लेकिन आप ध्यान रखिए, फर्स्ट और सेकेंड लेसन जो है उसे आपको रेगुलर करना है, इसे आपको कंटिन्यू करना है अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस चाहते हैं। अब कल मिलते हैं, कल तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।